अस्सलाम वालेकुम गाइस, राइट नाउ आप मेरे सामने जो रखा हुआ एक पैलेट देख रहे हैं, इट्स अ कॉन्टोर पैलेट बाय रिवाज यूके। ठीक है, बिफोर आई डिस्कस अबाउट दिस पैलेट, हम इसको टर्न करके अगर इसके बैक पे देखते हैं तो इंग्रेडिएंट्स आर ऑल मेंशनड, ठीक है, और कंपनी की वेबसाइट भी मेंशन है, इसके अलावा इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बिन बना हुआ है, अगर आप देख रहे हैं, मैं क्लोज़ करती हूँ, 36 लिखा हुआ है, इट मींस कि 36 मंथ्स की एक्सपायरी है। इन केस अगर कभी डेट नहीं लिखी हुई होती मेंशन, तो इस तरह का एक बिन बना दिया जाता है जिसमें नंबर के साथ एम मेंशन होता है, एम स्टैंड फॉर मंथ्स। इट्स जस्ट अगर आपको नहीं पता इन केस, सो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैलेट। जी, तो ये एक बहुत ही अच्छा पैलेट है बाय रिवाज। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यू कैन सी 6 शेड्स हियर। सही है, इसके जो ये 3 नीचे के शेड्स हैं ना, ये ब्राउनिंग शेड्स हैं, ठीक है। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगता है, आप कॉन्टोर करो, ब्राउन्स करो उससे। फिर आता है यहाँ दिस वन शेड, ये एक ब्लशर है। सही है, यहाँ पर आ जाता है, ये इसका फेस पाउडर है। एंड दिस बिट ऑफ येलो सॉर्ट ऑफ जो ये है ना इसका शेड, इट आई यूज़ इट एज अ हाईलाइटर शेड, ये हाईलाइटर शेड एंड में, या तो थोड़ा सा फिक्सिंग के लिए भी ये सेट रहता है, ठीक है। तो अगर स्वॉचेस की बात करते हैं तो ये देखिए, दिस इज़ द शेड अ बिट ऑफ अ हाईलाइटर, टॉक अबाउट दिस फेस पाउडर, राइट। और ये एक अच्छा सा ब्लशर है, और ये नेक्स्ट जो हैं इसके कॉन्ट्रोल शेड्स हैं, ये देखिए, ये रहा ब्राउन, और एक मैं ये वाला भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, दे आर क्वाइट पिगमेंटेड, वेरी नाइस, और बहुत अच्छा पैलेट है ये। 600 समथिंग इसकी कुछ प्राइस है, इकोनॉमिकल है, और प्लास्टिक इसकी पैकेजिंग है, इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक है, और बहुत हैवी नहीं है, इस वजह से कैरी करने में इट्स वेरी गुड। सो अगर आप कोई अच्छा पैलेट देख रहे हैं, कॉन्टोर पैलेट अगर आप ढूंढ रहे हैं, सो मस्ट ट्राई। अपने स्किन टोन के हिसाब से आप इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शेड 2 है, 1 देख लें, 3 देख लें और दूसरे देख लें, अगर जो भी आपके अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन हो, ठीक है जी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉन्टोर पैलेट, फुली रिकमेंडेड, मस्ट ट्राई, एंड यू विल डेफिनेटली, आप उसको बहुत अच्छा लगेगा यूज़ करके और बाय करके, आप बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। सो डू गिव इट अ ट्राई, ओके, इट्स अ थम्स अप।